आज हम आम का मीठा अचार बनाएंगे। अचार बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है कि जिसकी वजह से हमारा अचार पूरे साल भर तक अच्छा रहे और बिगड़े नहीं और उसका कलर इसी तरह से लाल बना रहे। ये सारी बातें आज की रेसिपी में हम देखेंगे। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अचार बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम राजापुरी आम लिए हैं। आम को पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद उसे एक सूखे कपड़े से पोंछ ले और फिर उसके छिलके निकाल दे। अब हम आम के टुकड़े करेंगे। जब भी आपको अचार बनाना हो तो मार्केट में से आप इस तरह की फ्रेश आम लाए जो कड़क हो। आपको जिस दिन अचार बनाना हो उसी दिन मार्केट में से फ्रेश आम लेकर आए तो वो इस तरह की कड़क होगी। अब हम इसके मीडियम साइज के टुकड़े करेंगे। अगर आप बहुत बड़े आम के टुकड़े रखते हैं तो वो उसके मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे, तो मीडियम साइज के इस तरह से टुकड़े करें। अब आम के टुकड़े को हम इस साइज के बड़े से पतीले में निकाल देंगे। आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि अचार बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन इस्तेमाल में ना लें। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। मैंने 2 चम्मच इसके अंदर नमक डाला है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक और हल्दी पाउडर में आम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसे 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमारे जो आम है वो नमक और हल्दी वाले हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। इस तरह से उसे मिक्स करें और फिर ढककर उसे 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 10 से 12 घंटे के बाद हमारे आम अभी नरम भी हो गए हैं और अच्छी तरह से हल्दी और नमक वाले भी हो गए हैं। अब उसे हम इस तरह से छलनी में निकाल देंगे ताकि उसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हल्दी और नमक वाले पानी के अंदर हम 10 से 12 छुहारे डालेंगे। छुहारे को तोड़कर उसके बीज निकाल दें। 1 घंटे के लिए इसे हम यही पानी में रहने देंगे। मीठे अचार के अंदर छुहारे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आम के टुकड़े को हमें इस तरह से कॉटन कपड़े के ऊपर फैला देना है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। 2 से 3 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद छुहारे को भी आप पानी में से निकाल के आम के टुकड़ों के साथ इसी तरह से सुखा दे। इसे ऐसे ही सूखने दे, पंखे के अंदर या धूप में ना सुखाए। 2 से 3 घंटे के बाद जब आम और छुहारे अच्छी तरह से सूख जाए तो हम अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तेल को गरम करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर 350 ग्राम तेल लिया है। हमने 750 ग्राम आम लिए हैं और 750 ग्राम उसके अंदर गुड़ डालेंगे, तो हमें 350 ग्राम उसके अंदर तेल डालना है। अभी मैंने मूंगफली का तेल लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को पहले अच्छी तरह से गरम करें और फिर गैस बंद करके उसे ठंडा होने दें। जब तक तेल रूम टेम्परेचर पर नहीं आता तब तक हमें उसे अचार के अंदर नहीं डालना है। तो अचार बनाने से पहले सबसे पहले इस तरह से तेल को गरम कर दें। जब तक हमारा तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके गुड़ को डालेंगे तो अचार के अंदर वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी मैंने मीठे अचार का जो मसाला मार्केट में रेडी मिलता है वो लिया है, 250 ग्राम है। 750 ग्राम हमें गुड़ लेना है और 250 ग्राम हमें अचार मसाला लेना है। अब एक बड़े से पतीले में हम अचार का मसाला डालेंगे। ये अचार का मसाला आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ये मसाला घर पर किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल अभी एकदम रूम टेम्परेचर पर है। अगर आपका तेल थोड़ा सा भी गर्म है तो उसे मिक्स ना करें, नहीं तो आपका जो अचार है वो काला पड़ जाएगा, उसका मिर्च का जो कलर है वो काला हो जाएगा। तो तेल को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर ले। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे। सौंफ अचार के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप उसे बिल्कुल स्किप ना करें और ज़रूर डालें।
हमने जो गुड़ कद्दूकस किया था वो डालें। अगर आप गुड़ को छोटा छोटा तोड़कर डालेंगे तो उसे मेल्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा। अब आम और छुहारे अच्छी तरह से सूख गए हैं तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह गुड़ को कद्दूकस करके डालने से आप दूसरे ही दिन ये अचार खाने में ले सकते हैं। आप रात को इस तरह से इसे मिक्स करके रखेंगे तो सुबह तक गुड़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ को कद्दूकस करके डाला है। गुड़ को कद्दूकस करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो मुझे ये वाली मेथड ज़्यादा इजी लगती है कि दूसरे ही दिन हम ये अचार खाने में ले सकते हैं। अभी सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो बाकी हमने जो तेल बचा कर रखा था वो भी इसके अंदर अभी हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा अचार का कलर आया है। अचार में हमें थोड़ा सा ज्यादा ही तेल लेना होता है, क्योंकि अचार को हम पूरे साल भर तक स्टोर करते हैं, तो अगर तेल की क्वांटिटी कम होगी तो अचार बिगड़ सकता है। तो तेल आप इस तरह से डालें। सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर नाप से बताई है। 750 ग्राम आम लेना है, 750 ग्राम गुड़ लेना है, 350 ग्राम हमें तेल लेना है और 250 ग्राम हमें अचार का मसाला लेना है। अब इसे हम ढककर रहने देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट रहने दिया था। अब हम इसे मिक्स करके देखेंगे। गुड़ को हमने कद्दूकस करके डाला है तो बहुत सारा गुड़ अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और 5 से 6 घंटे के बाद गुड़ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आपको अभी इसके अंदर तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर आप अचार को पूरे साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो तेल इसी मात्रा में डालें ताकि आपका जो अचार है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अचार के अंदर अगर तेल कम होता है तो उसके अंदर फंगस लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो तेल आप इसी तरह से डालें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और फिर 5 से 6 घंटे के लिए इसे रहने दें। फिर हमारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। 5 से 6 घंटे के बाद गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अचार का कलर कितना अच्छा आया है और मसाला भी कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब अचार को हम एक बॉटल के अंदर भर देंगे। अचार आप पूरे साल भर तक रख रहे हैं तो उसे कांच की बॉटल में ही भरे तो आपका अचार अच्छा रहेगा। अभी हमारा मीठा अचार बनकर तैयार है। ये अचार आप पूरी, पराठा, थेपला या भाखरी के साथ खा सकते हैं। तो ये मीठा अचार बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।